दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने अपने घर का लोकेशन गूगल मैप पे डाला हुआ है, जिसको मैंने नाम दिया है जगताप डॉक्टर। तो आप भी अपने घर का लोकेशन गूगल मैप पे इजीली डाल सकते हो। अगले 3 मिनट में मैं आपको समझाऊंगा ये कैसे करते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिए। मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं टेकिंग शॉट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपने गूगल मैप पे अपने घर का एड्रेस डालने के लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल मैप ओपन करना पड़ेगा। तो अपने फ़ोन में गूगल मैप ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे कंट्रीब्यूट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस कंट्रीब्यूट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। इस पे जब आप क्लिक करोगे तब आपको यहाँ पे ऐड प्लेस नाम का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना होगा। ऐड प्लेस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक फॉर्म मिल जाएगा, ये फॉर्म भरना होगा। ये जस्ट नॉर्मल फॉर्म है, आपको अपने प्लेस को क्या नाम देना है, कहाँ पे रहते हो ये वर रहता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो लेट्स से मुझे अपने प्लेस को अभिषेक जगताप हाउस ऐसे नाम देना है। ओके, तो कैटेगरी में क्या कैटेगरी है, अगर आपको कोई शॉप होगा या होटल होगा तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आप खुद रह रहे हो तो रेजिडेंशियल सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं रेजिडेंशियल सिलेक्ट करके यहाँ पे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स सिलेक्ट कर रहा हूँ, हमारा खुद का घर है। तो नीचे एड्रेस रिक्वायर्ड जहाँ पे लिखा है वहाँ पे आपको अपने सिटी का नाम लिखना होगा। आप जिस भी गाँव में गाँव का एड्रेस डालना चाहते हो या सिटी में रहते हो तो वो सिटी का जो भी होगा वो आपको डालना होगा। तो मैं यहाँ पे अपने सिटी का एड्रेस डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे सिटी का एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ पे एडिट मैप लोकेशन ये ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जहाँ पे भी घर होगा आपको वो पॉइंट आउट करना होगा इससे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पहले से ही जगताप डॉक्टर ये हमारा घर है, तो ये ऑलरेडी मैंने 2 साल पहले ही ऐड कर दिया था। तो मैं सेम पॉइंट पे ये दूसरा पिन भी ला के रखता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो जब आप पॉइंट आउट कर दोगे सिंपली आपको राइट कॉर्नर में ओके का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। ओके करने के बाद आपको नीचे ऐड मोर डिटेल्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको अगर आपके घर की कुछ वेबसाइट होगी, कॉन्टेक्ट नंबर डालना है या कब शॉप ओपन होने वो डालना है, या नहीं तो आपको फोटोज़ वगैरह डालने होंगे तो आप डाल सकते हो। तो ये सब होने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको सबमिट करना होगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये सेंड हो जाएगा, आप देख सकते हो। तो मैंने सेंड कर दिया। तो आपको अगर देखना होगा कि ये सेट हुआ है नहीं तो जस्ट कैंसिल पे क्लिक कर दीजिए। कैंसिल पे क्लिक करने के बाद आपको ऊपर राइट कॉर्नर में अपने आइकॉन दिख जाएगा प्रोफाइल का, तो उस पर क्लिक करके यहाँ पे योर प्रोफाइल पे क्लिक करना होगा। योर प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट में चले आइए, यहाँ पे एडिट्स ओनली विजिबल टू यू ये ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना होगा। तो आप देख सकते हो ये मेरा पेंडिंग पे अभी एप्लीकेशन जो मैंने अभी सेंड किया था अभिषेक जगताप हाउस। तो आप लास्ट वाला देख सकते हो, ये मैंने 2 साल पहले किया था, तो आपको यहाँ पे एक्सेप्टेड दिख जाएगा। तो ये एक्सेप्टेड है, ये मैप पे भी विजिबल है। तो ये मैप पे मैंने अभी आपको दिखाया जहाँ पे हमने लोकेशन पॉइंट की थी। मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ, ये हमारा हाउस लैपटॉप स्क्रीन पे भी इनकॉग्निटो मोड में दिख जाएगा यहाँ पे। तो अभी देखते हैं इनकॉग्निटो मोड पे। इनकॉग्निटो मोड में क्यों? क्योंकि वहाँ पे अपना जीमेल लॉग्ड इन नहीं होगा। मैप सर्च करने के बाद ये मैप्स ओपन हो जाएगा। आपने जो भी नाम दिया था, जैसे हमारा जगताप डॉक्टर ये नाम था, तो इससे सर्च कर लीजिए। और बाद में आपको अपने सिटी का नाम डालना होगा, आपने जो भी नाम दिया था उसके बाद आपके सिटी का नाम। तो ये मैंने डाल दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी लोकेशन विजिबल है। तो मैं अगर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो ये डायरेक्टली मेरी लोकेशन विजिबल मैप पे, एंड यहाँ पे जीमेल भी साइंड इन नहीं है, तो ये इनकॉग्निटो मोड में। तो इस तरह से यहाँ पे ऑल द डिटेल्स आर विजिबल। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई दे दूंगा। अगर आपको किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा या इस टॉपिक पे कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई दे दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।